हेलो एवरीबॉडी, प्रगत यार। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक यूट्यूब चैनल वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है और इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये यूट्यूब चैनल वेरीफाई क्यों करना है हमें। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने ये वर्ल्ड टेक लोके करके यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। सो नाउ हम लोग चलते हैं ये यूट्यूब चैनल के, ये जो यूट्यूब स्टूडियो बीटा है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग अभी यूट्यूब स्टूडियो में चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो यूट्यूब स्टूडियो के सब फीचर्स ऑन नहीं है, कोई कोई फीचर्स है वो क्रिएटिव स्टूडियो क्लासिक में अवेलेबल है। सो वी विल गो टू क्रिएटिव स्टूडियो क्लासिक, स्किप, और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका चैनल है, चैनल के ऊपर आप क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेटस एंड फीचर्स आपको दिखाई देंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड टेक लोके, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। पर अगर आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे कॉपीराइट स्टेटस आपको दिख रहा है आपके चैनल का, आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्टेटस दिख रहा है। सो अगर हम लोग अभी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका अपलोडिंग तो अनेबल है, मतलब आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, मोनेटाइजेशन अभी भी इलिजिबल है, बट यह हम लोग को अनेबल करना पड़ता है, मतलब आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अभी ये आपका लाइव स्ट्रीमिंग है, ये भी आपको अनेबल करना पड़ेगा। ये अभी एम्बेड लाइव स्ट्रीम्स इनएलिजिबल हो, आप लॉन्गर वीडियोज़ के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके यूट्यूब चैनल का, कस्टमाइज थंबनेल, ये अभी तक नॉट अनेबल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट यू यूज कस्टम थंबनेल्स फॉर योर वीडियोज़, योर अकाउंट इजंट एलिजिबल एट दिस टाइम। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी यूट्यूब के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि ये कस्टम थंबनेल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कस्टम थंबनेल होता है किसी भी वीडियो का, ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट है वो वीडियो के बारे में। वो थंबनेल अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग आपके वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर आपको ये कस्टम थंबनेल अनेबल करना है तो इसके लिए आपको आपका चैनल वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए आपको ये वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के लिए अगर आपकी जो कंट्री है वो आपको सिलेक्ट करनी है, अभी मैं तो इंडिया में हूँ तो इसलिए मैंने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। इफ़ यू आर आउटसाइड इंडिया तो आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करना है। नाउ हाउ शुड वी डिलीवर द वेरीफिकेशन कोड टू यू, कॉल मी विथ एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मी विद द वेरीफिकेशन कोड। तो जब ये टेक्स्ट करने वाले हैं तो मतलब आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा विच विल बी एसोसिएटेड विद दिस यूट्यूब चैनल, ओके। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट मी विद द वेरीफिकेशन कोड डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद नीचे सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आप एक अलग स्क्रीन पे चले जाओगे। तो अभी मोबाइल नंबर डालने के बाद एक 6-डिजिट वेरीफिकेशन कोड आने वाला है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है अभी। तो ये जो कोड है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको अभी आपको सबमिट करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड, कंटिन्यू। और अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे आपका जो कस्टमाइज थंबनेल है वो अनेबल हो गया है। सो दिस इज द वे आप आपका अकाउंट भी वेरीफाई कर सकते हो और आपका जो कस्टमाइज थंबनेल है वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। आपको पता चल गया होगा कि एक यूट्यूब चैनल वेरीफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको एक कस्टमाइज थंबनेल की फैसिलिटी मिल जाती है और भी अदर बेनिफिट्स हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।